हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने करेले की न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसे चपाती और चावल दोनों के साथ अचार की तरह आप खा सकते हैं। आपको ये डिश बहुत पसंद आएगी। आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। छोटे छोटे करेले लिए हैं, इनका ऊपर वाला छिलका हमने निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका ऊपर वाला छिलका इस तरह से निकाल लिया है। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें भी हम प्याज का तड़का लगा के खा सकते हैं बाद में। हमने इस प्रकार से करेले के दो दो टुकड़े कर लिए हैं। करेले में लगाने के लिए हमें चाहिए नमक, थोड़ी हल्दी लेंगे। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे करेले में लगाएंगे। वो अच्छी तरह से हम इनके ऊपर डालेंगे और इनको उंगली की सहायता से इस तरह से दोनों तरफ से लगाना है। सभी करेले को हमने इसी प्रकार से करना है। देखिए दोस्तों, हमने करेले में नमक और हल्दी अच्छे तरह से लगा लिया है। पीछे की साइड से भी लगा लिया है, आगे की तरफ से भी लगा लिया है। सभी करेले हमने नमक और हल्दी से ही लगाया, और कोई मसाला नहीं डाला है हमने। हमने गैस पे तवा चढ़ा दिया है और जिसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और हमें इसे कम गैस पर ही तलना है। एक एक करके हम सभी करेले तवे पर रखेंगे और सिम गैस पर ही हम इसे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, सारे करेले हमने तवे में रख दिए हैं और इसकी गैस भी हमने हल्की कर दी है, एकदम से सिम कर दी है। इसी तरह हम इसको हल्के आंच पर पकने देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन रख कर इसी तरह छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर इसको चेक करेंगे ये किस तरह के हुए हैं। हमारे करेले एक साइड से हल्के से पक चुके हैं। अब हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। चिमटे की सहायता से पलट लेंगे, आप फोर्क भी ले सकते हैं, चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं। सभी करेले हम इसी तरह से पलट लेंगे। सभी करेले पलटने के बाद हम इसे फिर से ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे इनको। अब हम इनको पलट के देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे करेले ब्राउन हो गए हैं। अगर आपको लगता है करेले में थोड़ा तेल कम है तो आप ऊपर से और तेल डाल सकते हैं। हमने सभी करेले को इसी तरह से फिर से पलट लेना है। अब हमें इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको इसी तरह से ऐसे ही पकाएंगे। अल्टा पलटी कर करके पकाते रहेंगे ताकि ये थोड़े से करारे हो जाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और खा के मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे ये करेले। मैं भी किसी के यहाँ गई थी तो मैंने उनके यहाँ पे खाया था, तो मुझे तो बहुत पसंद आए ये करेले। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके मुझे बताएं कि आपको ये करेले कैसे लगे। हमारे करेले पककर तैयार हो गए हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से सारे करेले हमने उल्टा पलटी करके पका लिए हैं। अब ये खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। ये जितने देखने में सुंदर लग रहे हैं उतने ही ये खाने में करारे और अच्छे लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, चावल के साथ, चपाती के साथ, आप किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें।